मेरी शादी की बात करते हैं, 1-1.5 साल पहले हुई है मेरी शादी सुमित चौहान नाम के लड़के से, जो दूसरे धर्म का है और मैं दूसरे धर्म की हूँ। सबका नमस्कार, आदाब। आज महिलाओं का दिन है तो अजरा ही बोलेगी। हाँ, लव जिहाद के नाम पे, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा हादिया के केस में, कि हादिया के ऊपर जो है किस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि उसने जो है धर्म परिवर्तन किया है, जबकि हादिया का कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म को परिवर्तन किया है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया है। लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है कि कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इसने जो है उसके पति ने जो है ज़बरदस्ती इसको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया है, और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के बाद उसको एक आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि ये लोग जो हैं अपने मतलब अंतर जाति विवाह या अंतर धर्म विवाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए, इससे लोग डरें, और इनको जो है डराया जा रहा है ताकि ये जो है इस चीज़ को और लोग कम करें, या जो आगे ऐसा कदम उठाने वाले हैं वो लोग ना उठाएँ इस कदम को। और महिलाओं के ऊपर जो है, जैसे कि अभी बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके बोला है कि महिलाओं के सम्मान की अगर बात करते हैं, तो महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका जो है शोषण होता है, उत्पीड़न होता है उनको, चाहे वो घर हो या बाहर हो या हमारे समाज हो, किसी न किसी रूप में उसको जो है उसका शोषण करते हुए हम देखते रहते हैं, अपने आस पास भी या बहुत से लोगों से सुनते हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है बेसिकली, और हम सब प्यार करते हैं, और जब हम प्यार करते हैं तो हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं कि हम उसके साथ रहें, और भारत में रहना है तो आपको शादी करनी पड़ेगी उसके लिए, और जब आप शादी करने जाएंगे तो आपका धर्म, आपकी जाति जो है वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो लव जिहाद जैसे जो कंसेप्ट हैं, जो शब्द हैं, पहले मुझे ये बड़े फनी लगते थे कि यार कैसे लव को जिहाद से जोड़ दिया जाता है, लेकिन अब मुझे ये खौफनाक लगते हैं, स्केरी लगते हैं, मुझे डराने वाले शब्द लगते हैं, कि आपने एक मासूम से प्यार को पहले जिहाद से जोड़ दिया और फिर उसको आतंकवाद से जोड़ दिया। मैं या अजरा या मेरे जैसा कोई भी कपल जब शादी करना चाहता है तो हमारे देश में शादी करने के दो ही तरीके हैं, एक है धार्मिक विवाह, आप जिसको हिंदू मैरिज एक्ट में आप शादी करेंगे या मुस्लिम पर्सनल एक्ट में आप शादी करेंगे, तो एक धार्मिक विवाह का आपके पास विकल्प है, दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट का आपके पास विकल्प है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो उसमें प्रोसेस जो है वो 1 से 1.5 महीने का लगता है, आप जिस दिन अपने डॉक्यूमेंट लेके आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं वो आपको बोलेगा कि अगले 30 दिन तक आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, और नोटिस पीरियड में वो क्या करेगा, आपके घर पे नोटिस भेज देगा कि ये जो लोग हैं ये शादी करना चाहते हैं, भैया हमारे घर वाले मान जाते तो हम तुम्हारे पास क्यों आते, तो वो हमारे घर वालों को बता देता है कि देखो ये शादी करने वाले हैं। और दूसरा, आतंकियों के जैसे हमारे जो फोटो हैं वो नोटिस बोर्ड पे बाहर लगा दिए जाते हैं ऑफिस के, कि ये देखो ये शादी करने वाले हैं। तो ये कानून है भारत का स्पेशल मैरिज एक्ट, जो बहुत ही एंटी कपल है, बहुत ही मतलब आपको नहीं मदद करेगा शादी करने में, बड़ी इसमें आपको तकलीफ होगी, 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। अब जो कपल गांव से कहीं से भाग के आ गया है यहाँ, जहाँ पे ओनर किलिंग हो जाती है, आपके परिवार के लोग ही आपकी हत्याएं कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूँ, वरना घर वाले जो बोलेंगे कि वो मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया, उसने मेरी बेटी के साथ रेप कर दिया, वो तमाम तरीके के फिर झूठे आरोप लगाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि SMA जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो बहुत ही लंबा और दुखद प्रोसेस है, 1.5 से 2 महीने का उसमें समय लगता है, तो आप मजबूरी में धर्म बदल लेते हैं। आप जब मस्जिद में शादी करने के लिए जाएंगे तो आपसे बोलेंगे अच्छा तुम तो हिंदू हो तुम मुसलमान बन जाओ, जब आप आर्य समाज में शादी करने के लिए जाएंगे तो वो बोलेंगे अच्छा तुम तो मुसलमान हो तुम हिंदू बन जाओ, तो आपको मजबूर किया जाता है। धनक के हमारे सर हैं आसिफ सर, तो कहते हैं कि वी आर फोर्स टू कन्वर्ट आर सेल्फ इन टू एनी अदर रिलीजन, हमें मजबूर कर दिया जाता है शादी करने के लिए। अब हदिया के केस में भी ऐसा हुआ गा, अखिला ने जो धर्म बदला वो तो कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, लेकिन बाकी लोगों ने, उसके परिवार ने, उसके घर वालों ने उसको आतंकवाद से, लव जिहाद से जोड़ के, और हाईकोर्ट ने उनकी शादी को रद्द कर दिया। आप सोचिए, देश का कानून है जो प्यार करने वाले लोगों को, जो साथ रहना चाहते हैं ईमानदारी से, आप उनको बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं,
जो महिला खुद अपने मन से ये कहे कि मैं किसको शादी करना चाहती हूँ, मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, आपको बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो वर्चस्व है, जो आपका अधिकार है, मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी में हम चौधर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो आपकी चौधर है वो ख़त्म हो जाती है जब भी कोई बोलता है, जब कोई महिला बोलती है, जब कोई दलित बोलता है, जब कोई आदिवासी बोलता है, तो आपने जो अपना वर्चस्व बनाया है वो टूट जाता है। और ये तमाम हिंदूवादी ताकतें जो बीजेपी है, आरएसएस है, गोहत्या के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, ये हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमें धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ना डरेंगे और ना खुद को धमकाने देंगे।